तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एक्सपर्ट में। अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर की दीजिए। और हम आपको एक होममेड आरसी ट्रक का रिव्यू करना चाहते हैं। रुको, इसका रिव्यू करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। जितना शेयर हो चुके उतना शेयर कर देना। और हम आप इसका रिव्यू करते हैं होममेड का। तो इसका आप ऊपर का लुक से, ऊपर के कैमरे साइड लुक से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये ट्रक, जो कि एक फिटिंग द्वारा बनाए गए हैं और फुल ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्लास्टिक ही है प्लास्टिक। और इसका कुछ इंजन टाइप ये आप देख सकते हैं, इसको इंजन ही कह सकते हैं क्योंकि ये इसको पीछे के टायर को फोर्स करने में, चलाने में सहायता करते हैं। तो इसके साइड का लुक है, आप पीछे का लुक आपको दिया। और इसके कार्डबोर्ड के टायर हमारे बनाए गए हैं, ऊपर से इनके ऊपर ब्लैक टेप लगाई और हमने इसमें यूनिवर्सल जॉइंट भी लगाए जो कि काफ़ी अच्छे से स्मूथली रन करेगा और इसको कहीं अटकने नहीं देगा। और इसके कुछ शॉकर्स देख सकते हैं आप इस टाइप, जो आपके गाड़ियों ने देखे होंगे, गाड़ियों में जो मोटे लोहे की पत्तियों से बने होते हैं। और हम आपको इसके नीचे का लुक दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए इसके नीचे लुक। इसमें हमने पेन का भी यूज़ किया है बहुत, और दो मोटर के नीचे वाला जो ढक्कन होता है उसके द्वारा हमने गियर बॉक्स बनाया है। और इसके लिए दो गियर्स की ज़रूरत पड़ी थी हमें। अगर आपको ये घर पर बनाना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे अगर आप कमेंट करते हो तो। अगर यूनिवर्सल जॉइंट की आपको चाहिए वीडियो तो उसकी बना देंगे, बस आप कमेंट कर देना किसकी वीडियो बनानी है, कल उसी की भी बना देंगे। और इसमें पेन का हमने और यूज़ किया है बीच में इसे लगाने में, जो कि पतले वाले पेन आते हैं। और ये शॉकर्स को हटकाने के लिए हमने स्क्रू का यूज़ करा है, इससे अच्छी तरह से चिपक जाता है। हम ग्लू से भी बहुत अच्छी तरह से चिप जाता है, लेकिन वो एक बार जो खिंचाव होने से ना फिर वो उखड़ जाता है, लेकिन ये ऊंचाई होने से उखड़ेगा नहीं, मुड़ भलाई जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा या बीच में से मुड़ जाएगा ये। तो इसका थोड़ा साइड लुक से देख लो आप इनके टायर्स में किस तरह बनाए, आप भी ऐसा बना सकते हैं घर पर और देख सकते हैं कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो लाइक करना और बगल में रहिए बेल के आइकन को जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, ताकि हमारी तुरंत आने वाली वीडियो या अचानक आ जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, जिससे आप उसे जल्द ही जल्द देख सकें। और इस मोटर, इस इंजन बनाने में हमने 6 वाल्ट की मोटर यूज कराया है और दो दो बड़ी गियर्स का यूज कराया है, जो कि एक नीचे वाली बड़ी गियर है, ऊपर वाली छोटी, जो इसका RPM तो बहुत कम कर देता है, बहुत तो कम नहीं लेकिन कम कर देता है, लेकिन इसका टॉर्क क्यों काफ़ी हाई हो जाता है जो इसे काफ़ी पावरफुल बना देता है। और इसके आपको ब्लैक कलर की ये प्लास्टिक सीट दिख रही होगी, ये मैंने थोड़ी मोटी ली है ताकि ये इसमें ऊपर जो भी लोड पड़ता है ना तो ये इससे मुड़े ना, तो आपको ऐसे ही यूज़ करनी है जिससे मुड़े ना, जो कि आप इसका नीचे थोड़े देख सकते हैं। हमने इसे लगाने में स्क्रू का यूज़ करा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि लोड पड़ने पर जो सुपर ग्लू के होते हैं उसमें ये उखड़ भी सकते हैं, लेकिन स्क्रू के द्वारा ये उखड़ेगा नहीं, जो इसके पीछे हमने नट भी लगाया है। तो हमने टायर बनाए इनके ऊपर ब्लैक टेप लगाई है ताकि अच्छे से वर्क करे और ख़राब ना होए, और ये फिर एक जगह रह रहकर फ्री ना खाए टायर। और इसमें आप ये जो देख रहे हैं टायर के अंदर से लगाए गए हैं, ये जो हमने पेन का यूज़ किया है जिसमें से अच्छे से एक नोक से पिन आती है वो लग जाए अच्छे से, जो कि अच्छे से फिट होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और बिल्कुल इम्बैलेंस नहीं होती है। और ये हमारा कुछ इस प्रकार का यूनिवर्सल जॉइंट है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। और आगे का हमने लेफ्ट टर्न वाला नहीं बनाया है, अगर आपको उसमें वीडियो चाहिए तो हम वो भी बना सकते हैं, आप कमेंट करना, जिस पर आपको वीडियो चाहिए हम उस पर ही बना देंगे। और इसके शॉकर्स के हमने काफ़ी,
आज के लिए काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।